अज्ञात कारणों के चलते मिस्त्रियों की 5 दुकानों में लगी भीषण आग, हुआ लाखों का नुकसान। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत थीम रोड वर्मा कॉलोनी में बीती रात ट्रैक्टर वर्कशॉप स्टॉलों में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। स्टॉलों में से आग की लपटें उठती देख कॉलोनी में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची नगर पालिका की फायर ब्रिगेड और नगर पालिका कर्मचारियों ने टैंकर से पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 5 मिस्त्रियों की दुकानें जलकर राख हो गई। आगजनी की इस घटना में 5 दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। दुकानों में आग लगने की सूचना पर शिवपुरी एसडीएम नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंच गया था। देखिए क्या कहा पीड़ित दुकानदार ने। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार राठौर। अरे जी, रात में आगजनी हुई, कैसे आग कैसे लग गई मार्केट में? वो तो अकस्मात कारण है सर, कारण का कोई पता नहीं है। तो किस किस की दुकानों में आग लगी? नंबर 1 पे फिरोज खान, दूसरा है पप्पू गद्दी प्रोसेस, और तीसरा है कतरी हेड, और 14 है सुमित राठौर, और 5वां है राजेंद्र राठौर। अरे चारों पांचों दुकानों में कितना क्या नुकसान हो गया होगा? अरे दुकानों में कम से कम मान लो आप 8-1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। राग पे काबू कैसे पाया? वो एसडीएम साहब आ गए थे मौके पे, जब हम कोई नहीं आए थे तब वे लोग आ गए थे। गायत्री शर्मा सबसे पहले आई थी, गायत्री शर्मा जी सबसे पहले आई थी, उन्होंने ही सबको फोन लगाया, और आलिया गाड़ी आ गई थी, आलिया उन्होंने आग बुझाई, उनके बंदे आ गए थे। हम बाद में आ पाए, इसके पहले उन्होंने आग पे काबू कर लिया था।